अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज उमर अशरफ। आज हम बात करेंगे जी आफताब इकबाल साहब के बारे में। आफताब इकबाल साहब एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट, वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंकर पर्सन यू कैन से, और सहाफ़ी भी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं आपने क्या करना है, वॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि आपने जब रोज़ा रखना है तो आपने करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी बात मुझे अच्छी लगी, एक तो ये कि आपने रात को खाना नहीं खाना, आपने सहरी से 1 घंटा पहले पहले रात का खाना खाना है और वही आपकी सहरी होगी। ठीक है, मतलब रात को आपने जो खाना खाना है तकरीबन 3 बजे 4 बजे या 5 बजे एटलीस्ट, तो वो आपकी सहरी होगी। एक तो वो बात बड़ी अच्छी लगी। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने सोना नहीं है, यू शुड नॉट स्लीप as soon as you complete the process of sehri। ठीक है, आप लोगों ने अचानक सडनली जो है वो सोना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सोना नहीं है और आपने सहरी करके थोड़ी वॉक करके नमाज़ पढ़ के उसके बाद आपने सोना है। ठीक है, इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको तेजाबियत भी नहीं होगी और आपको वेट लॉस भी होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर वेट लॉस ट्रेनिंग। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, मुनशर को। थैंक यू।